सो बच्चों हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं. सो सेकंड ऑब्जेक्ट जो हमारा है दैट इज सर्कुलर डिस्क. एक हम सर्कुलर डिस्क ले रहे हैं, इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, राइट. तो हमें यहां पे क्या करना है, प्लेन ऑफ द डिस्क क्या है, प्लेन ऑफ डिस्क इज एक्स वाई प्लेन एंड परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस हमारी है ओ जेड एक्सिस, राइट. तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हम मानेंगे लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, ठीक है बच्चे. तो हमने क्या किया, एक सर्कुलर डिस्क ले लिया जिसका मास हमारा एम है और रेडियस जो है आर है. हम इस डिस्क को किस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कि यह डिस्क हमारी रिंग से मिलकर बनी हुई है, बहुत सारी रिंग से मिलकर बनी हुई है. उनमें से एक रिंग हम इस तरीके से कंसीडर कर ले रहे हैं जिसकी रेडियस एक्स है और जो थिकनेस है दिस थिकनेस इज डी एक्स, राइट. सो ये रिंग किस तरह की होगी आपकी, रिंग विल लुक लाइक दिस, राइट. सो हमारा जो डिस्क है वो कंसीडर है, डिस्क सर्कुलर है और इस तरह की ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग से मिलकर बना होता है, राइट. तो हम इसके बारे में आगे लिखते हैं. सो फर्दर वी कंसीडर अ रिंग ऑफ रेडियस रेडियस एक्स एंड थिकनेस डी एक्स. इस तरीके से हमने एक रिंग कंसीडर कर दिया है. अगर हम जो है इसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ले और इसको इंटीग्रेट कर ले, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट कर ले फ्रॉम रेडियस एक्स इक्वल टू जीरो टू कैपिटल आर और उसको सम अप कर दे तो हमें जो है हमारी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा. सो सबसे पहले हमें अगर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, राइट. अभी हमने थोड़ी देर पहले किया हुआ है. सो एम मास ऑफ द रिंग कैलकुलेट करने के लिए पहले हम मास डेंसिटी निकालते हैं कि इस सर्कुलर डिस्क का मास डेंसिटी क्या है. तो मास पर यूनिट एरिया, यहां पर आप ध्यान दीजिए कि हमने एरिया लिया है क्योंकि ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो इसका हमने एरिया कंसीडर किया है. टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, टोटल मास क्या है कैपिटल एम ऑफ द डिस्क एंड रेडियस क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क. तो इस तरीके से हमारा जो है क्या निकला है, मास पर यूनिट एरिया. इसलिए मास ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा, इसलिए मास ऑफ द रिंग इज इक्वल टू मास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द रिंग. मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द रिंग. मास पर यूनिट एरिया आपका है एम पाई आर स्क्वायर इंटू एरिया क्या है, एरिया हमारा इसकी जो लेंथ है, लेंथ में हम
थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा, राइट। तो लेंथ क्या होती है, पेरीमीटर 2πx into dx। तो इस तरीके से हमारा क्या आता है, मास ऑफ द रिंग। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या हो जाएगा आपका, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द रिंग अबाउट ओ जेड एक्सिस, ठीक है। ये हमें पता है मास मल्टीप्लाई बाय रेडियस, स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो यहां पे मास लिख देंगे रिंग का, रिंग का मास है एम डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू 2πx into dx। रेडियस क्या है, एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे सो वी हैव 2m आर स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, राइट। सो ये हमारा जो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द रिंग, इसे हम di से डिनोट करते हैं। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे सो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द डिस्क, राइट। तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, यहां से इरेज कर देते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द डिस्क आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी आई, और ये इंटीग्रेट कहां से करेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो से इट्स रेडियस। सो हम रख सकते हैं एक्स इक्वल टू जीरो टू आर एम डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू, फाइनल प्रोडक्ट ये है 2m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। सो 2m आर स्क्वायर ये जो है हमारे सब कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। एक्स क्यूब का जो है अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे यू विल फाइंड इट एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, इसके लिमिट रखेंगे सो आपके पास आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड द सोल्यूशन इज m आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो इस तरीके से आप निकाल पा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द डिस्क अबाउट ओजेड एक्सिस, ठीक है। और जब आपने रिंग का निकाला था तो रिंग का कितना आया था, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्सिया आरजेड जो कि अभी हमने यूज किया है वो है एम आर स्क्वायर, राइट। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होता है, ट्वाइस होता है इन कंपेरिजन टू द सर्कुलर डिस्क, ठीक है बच्चा। अगर आपको आप मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ दिस डिस्क निकालना है अबाउट इट्स डायमीटर, ठीक है। तो इसके दो डायमीटर हम ले लेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, एक एक्स एक्सिस के अबाउट ए डैश ओ ए बी ओ बी डैश, इस तरीके से हम इसके दो डायमीटर ले लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्सिया हमें क्या कैलकुलेट करना है अबाउट एनी डायमीटर, तो आगे हम यहां लिखेंगे सिंस डिस्क इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स डायमीटर therefore moment of inertia about ox and oy axis क्या हो जाएंगे, these are same,
दैट इज आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, इक्वेशन नंबर वन दे दीजिए. सो यू सो हमको अब यहाँ पे यूज करना है थ्योरम, यूजिंग थ्योरम ऑफ perpendicular axis. So according to theorem of perpendicular axis, moment of inertia I O Z is equals to sum of the moment of inertia about I O X plus I O Y. From equation number 1 हम लिख सकते हैं I O X is equals to I O Y. इस तरीके से हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अबाउट अ डायमीटर I O X एंड दिस इज I O Z डिवाइडेड बाय 2. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट I O Z इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. सो इट कम्स आउट टू बी एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट टेंजेंट ओ ए डैश ओडेस, इस टेंजेंट के अबाउट पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको वाई एक्सिस के अबाउट आपको मिल चुका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको सिंपली जो है थ्योरम ऑफ पैरेलल यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज कर लेंगे और वहां से कैलकुलेट कर लेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आई ओ ए डैश O dash is equal to moment of inertia about I O Y plus total mass multiplied by square of the distance. Distance between two axes I O Y and this and values रखने पर आपको क्या मिल जाएगा M R square divided by 4. This is the moment of inertia about any diameter. So I O Y के about the moment of inertia कितना हो जाएगा M R square by 4 प्लस एम टाइम्स डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच की आर. सो दिस इज 5/4 एम आर स्क्वायर. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ टेंजेंट अबाउट अ टेंजेंट क्या हो जाएगा 5/4 एम आर स्क्वायर. इस तरीके से आपको ये याद रखना पड़ेगा. इसके साथ ही अगर आपको जो है एनुलर डिस्क दी गई है, अगर हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं सर्कुलर एनुलर डिस्क. एनुलर का मतलब क्या है, खोखली, जिसके पास हमारे पास क्या है आउटर रेडियस है आर वन राइट एंड इनर रेडियस आपका आर वन है. सो ये वाला क्या है आर टू और ये वाला आपका आर वन है राइट. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मास है जिससे डिस्क बनी है वो सिर्फ इस रीजन के बीच में है और यहाँ जो अंदर वाला एरिया है सैडेड रीजन है जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ डॉटेड एरिया आप कह दीजिए, इसमें कोई भी मास नहीं है, यहाँ पे ये वैकेंट खोखली है राइट. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन लेट अस कंसीडर एन एनुलर सर्कुलर डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम एंड मतलब क्या है कि हमारे पास जो रिंग दी गई है इसके बीच का जो एरिया है यहाँ पर किसी भी तरह का
मास नहीं है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर एन एंगुलर सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस, इनर रेडियस, इनर रेडियस क्या है r2, एंड आउटर रेडियस r1, ठीक है। इस तरीके से हमारी इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ द एंगुलर डिस्क इज r2 एंड r1। सो वी कंसीडर a ring of radius x and thickness dx, राइट। तो हमने एक रिंग इस तरीके से कंसिडर कर ली है, ये जिसकी रेडियस x है एंड थिकनेस आपकी जो है dx है। इस तरीके से हम एक सर्कुलर डिस्क को मान रहे हैं कि ये लार्ज नंबर ऑफ रिंग से मिलकर बनी हुई है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है एम आर स्क्वायर, लेकिन इसके लिए हमें मास चाहिए होता है और रेडियस, रेडियस हमें पता है लेकिन मास हमें पता नहीं है। तो मास निकालने के लिए सबसे पहले मास डेंसिटी निकालेंगे। सो मास पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। टोटल मास कैपिटल एम एंड टोटल एरिया क्या हो जाएगा, पूरा एरिया हो जाएगा पाई आर वन स्क्वायर, राइट। और इसमें से हम घटा देंगे अंदर वाला पाई आर टू स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा टोटल एरिया जहां पर मास है पाई आर वन स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं मास ऑफ द रिंग। मास ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द रिंग, एरिया ऑफ द रिंग। अब मास क्या है, मास पर यूनिट एरिया एम डिवाइडेड बाय पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द रिंग। इस रिंग का जो एरिया है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस से आ जाएगी। लेंथ है पेरीमीटर बराबर टू पाई, जो इसका सर्कमफेरेंस है वही इसका लेंथ हो जाएगा टू पाई एक्स इंटू डी एक्स। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट ओ जेड एक्सिस। आपको पता है मास दिस इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वायर। राइट, मास है हमारा एम डिवाइडेड बाय पाई आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर टू पाई एक्स इंटू डी एक्स। रेडियस है एक्स स्क्वायर, ये सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा एम डिवाइडेड बाई आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इंटू टू। राइट, टू एम आर वन स्क्वायर, ये आपका हो गया डी आई। राइट, अगर हम अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो लेट अस डू दैट। ये फाइनल नंबर जो है आपका है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क
डिस्क अबाउट एक्सिस ओ जेड इज इक्वल टू टी आई, वेयर एक्स इज रेंजिंग फ्रॉम आर टू से लेकर के आर वन तक। सो डी आई की वैल्यूज हम यहाँ रख देंगे, कॉन्स्टेंट टर्म्स बाहर निकाल लेंगे, आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर, या रहने दीजिए इंटीग्रल के अंदर ही, धीरे धीरे करते हैं स्टेप वाइज इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, राइट। कॉन्स्टेंट आपके टू एम है, आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर, वे इंटीग्रेट के बाहर आ जाएगा। एक्स क्यूब का अब आप इंटीग्रेशन करेंगे, सो यू हैव एक्स पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर, एंड लिमिट रखेंगे आर टू एंड आर वन। So we have multiplied by R1 power 4 minus 4 divided by, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला यूज करते हुए यहाँ पे लिखेंगे, सो वी है एम इंटू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू। सो इस तरीके से आपका मोमेंट ऑफ इनर्सिया आ जाएगा अबाउट ओ जेड एक्सिस। एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या हो जाता है, एम इंटू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। अब अगर मान लीजिए कि ये आपका आर टू जीरो हो जाए, इसका मतलब आर टू इफ आर टू इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, जो एनुलर डिस्क है आपकी वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, डिस्क में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आई ओ जेड इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, एम आर वन स्क्वायर बाई टू, राइट। तो पहले भी हमने कैलकुलेट किया है मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ अ डिस्क, तो आपको वही मिल जाता है, राइट। और इसके अलावा अगर आपको अब मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना है अबाउट अ डायमीटर, तो डायमीटर के अबाउट आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक जैसे पहले निकाला था, अबाउट अ डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट अ डायमीटर। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, आई ओ जेड इज इक्वल टू आई ओ एक्स प्लस आई ओ वाई, और सिमेट्री यूज करेंगे यहाँ पर, तो आई ओ एक्स इक्वल टू आई ओ वाई हो जाएगा, एंड दिस इज टू टाइम्स आई ओ एक्स, सिंस आई ओ एक्स इज इक्वल टू आई ओ वाई, और यहाँ से आपको मिल जाएगा अबाउट डायमीटर आई ओ जेड डिवाइडेड बाई टू एम आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर। तो इस तरीके से आप मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट डायमीटर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे एक टेंजेंट के अक्रॉस पूछता है टेंजेंट के अबाउट, आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ए ओ डैश एंड यहाँ पे ए डैश, इस तरीके से आप जो है इसका भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अबाउट टेंजेंट ए ओ ए डैश, इसको यूज कैलकुलेट करने के लिए आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ए ओ ए डैश प्लस वाई प्लस मास मल्टीप्लाई पर डिस्टेंस, डिस्टेंस इज आर वन स्क्वायर, सो ये हो जाएगा एम, डायमीटर के अबाउट हम निकाल चुके हैं पहले, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर प्लस एम आर वन स्क्वायर। तो इस तरीके से एक टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है।
थैंक यू.